का प्रधान महासचिव। साथियों, आज मुझे जानकारी मिली कि बिहार के कुर्था विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री सत्यदेव सिंह कुशवाहा जी, जो कि दूसरी बार वहाँ के विधायक हुए हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया है एक जाति विशेष पर कि उनके बीच वो जाते हैं तो उनके उनकी गाड़ी नहीं घुसने दी जाती और गाड़ी को जलाने की धमकी दी जा रही है। सत्यदेव कुशवाहा जी को यह भी बताना चाहिए कि और लोगों के यहाँ भी जाते हैं, कुशवाहा के यहाँ भी जाते हैं या दूसरे समाज के लोग के यहाँ जाते हैं तो उनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है। मुझे जानकारी है कि दूसरे जगह भी इसी तरह का रिस्पांस मिल रहा है, किसी जाति को बदनाम करके। और जगदेव बाबू की क्रांतिकारी धरती, जिस पर जगदेव बाबू की कर्मभूमि जन्मभूमि रही है और वहाँ के लोग सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के समर्थक रहे हैं, समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोगों को जिस जगदेव बाबू ने एकजुट किया था और वो शहीद हो गए, उनके उस मिशन को पूरा करने का काम लालू प्रसाद जी ने किया था। याद होगा सत्यदेव जी कि उसके पहले उस इलाके में क्या हुआ करता था। आज आप अपनी पार्टी के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इशारे पर यदि आप ये बताना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं कि पिछड़ों में मतभेद हो जाए, दोनों अलग हो जाए, और तो फिर यह बिल्कुल स्वार्थ भरा कदम है और यह आम जनता को बिल्कुल कबूल नहीं है। जगदेव बाबू ने 100 में 90 को एकजुट होने का नारा दिया था और आज भी कमोबेश वही स्थिति है। सत्यदेव जी को अपने नेता से पूछना चाहिए कि जो रामाश्रय कुशवाहा की हत्या में उनके ही पार्टी के विधायक अमरेंद्र पांडे के इशारे पर जिन लोगों ने किया, उनके जो नामजद अभियुक्त हैं, 1 वर्ष हो गए कोर्ट के दबाव के बावजूद भी आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, क्यों नहीं हुई? क्या इसे माना जाए कि यह सत्ता संरक्षित अपराध था? उनकी पत्नी 10-12 दिनों तक भूख हड़ताल पर आमरण अनशन पर बैठी रही, लेकिन रामसेवक सिंह जी वहाँ के माननीय मंत्री हैं, विधायक हैं, लेकिन उन्होंने 1 दिन भी उनकी सुध नहीं ली। और अंत में इसी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, जब जब एकजुट होने का प्रयास करते हैं तो ऐसे कुपित प्रयास किए जाते हैं जो आप कर रहे हैं। इसलिए हमें खेद है इस बात पर, बिहार की जनता, बिहार की आवाम, तमाम पिछड़ी आवाम, तमाम जो छूटे हुए लोग हैं, जगदेव बाबू के 90% लोग ये इन बातों को अब समझ गए हैं और किसी के झांसे में आने वाले नहीं, कोई भ्रम नहीं है। और इस चुनाव में आने वाले दिनों में वो आपके इस तरह के प्रयासों को बिल्कुल नाकाम करेंगे और आने वाला दिन समाज के छूटे हुए लोगों का ही होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि जगदेव बाबू के सपनों का बिहार बनेगा और लालू प्रसाद जी के, तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।